हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज वीडियो रहने वाली है एस्कोडा स्लैब के ऊपर। ये 15 से 20 लाख रुपए का अपने जो ये है इसके अंदर अपनी ये रह गई थी सेडान कार एस्कोडा स्लैब, और तो अपने सारी कार्स का जो अपन ने कर लिया था इसका वो कवर कर लिया था सारी कार्स को। अब बात करते हैं इस कार के, सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसका क्लासिक 1.0 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन 12,31,000 का अपन को ऑन रोड जयपुर के अंदर देखने को मिल जाती है कार, जो कि वैल्यू फॉर मनी है, फ्यूचरिस्टिक है। मतलब वो मैं सारी बात इसमें करेंगे, प्लस और माइनस सारे पॉइंट्स की एक बार कार का रिव्यू कर दूंगा ओवरऑल, उसके बाद अपन इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स की सारों की अपन बात करने वाले हैं। और टॉप मॉडल्स की बात करें प्रेस्टीज की 1.5 लीटर TSI ऑटोमेटिक जो है इसका 21,70,000 का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। तो ये है कार का फ्रंट लुक। फ्रंट से आपको बिल्कुल अच्छा खासा जो है कार के अंदर लुक दे रखा है, सॉलिड बिल्ड है जो आपको इस कार के अंदर फील होएगी। लुक्स के मामले में आपको अच्छी खासी शार्प, मतलब नॉर्मल डिसेंट टाइप का जो शार्प होता है वो आपको देखने को मिलेगी कार। दो इसके अंदर लाइंस भी दे रखी है बोनट पे, जो आपको थोड़ा दिखने में स्लीक भी बनाता है, प्लस बिल्ड को भी ये हैवी कर देता है कार के को। LED सेटअप देखने को मिल जाता है इस कार के अंदर, और ग्रिल इस टाइप की ग्रिल देखने को मिल जाती है। प्रीमियम क्रोम सराउंडिंग दे रखी है कार की ग्रिल के ऊपर, और ऊपर इसके अंदर एस्कोडा का जो है लोगो दे रखा है कार के अंदर। साइड से अगर बात करें साइड लुक की, ऐसा कुछ कार का इस कार के अंदर अपन को साइड लुक देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें 180 से एक कम, मतलब 179 mm का इस कार के अंदर अपन को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एरी टाइप का जो देख सकते हैं इसमें लाइंस दो तीन जो है मेंटेन कर रखी है, जो आपको टॉप स्पीड में अच्छी खासी हेल्प करने वाली है कार। और साइड में बैचिंग दे रखी है इसके इंजन की, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अच्छा खासा दे रखा है इसका अलॉय व्हील का डिज़ाइन। इसमें दो तीन टाइप्स के अलॉय व्हील के डिज़ाइन आते हैं। 16 इंच में देख सकते हैं इसके टॉप मॉडल के अंदर मिलने वाला अलॉय व्हील का डिज़ाइन। और रियर से अगर बात करें रियर साइड लुक, पेट्रोल टैंक आपको इस साइड देखने को मिलेगा, कन्वीनियंस वाली जगह देखने को मिल जाता है। एस्कोडा के बीच में लिखा है ब्रांडिंग, और टेल लाइट्स का डिज़ाइन जो आपको अच्छा खासा LED सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया लुकिंग है इस कार के। नीचे बम्पर के अंदर आपको क्रोम सराउंडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको इसके जो रियर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे कार के अंदर। ऐसा कुछ कार का स्लीक सा डिज़ाइन है, ऐसे नहीं लगती साइड आंदे से बढ़ाई भी, बिल्कुल परफेक्ट काइंड ऑफ सेडान लगती है। ओडी टाइप का सा इन कार के अंदर जो है लुक निकल के आता है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की इंस्पायरिंग लगती है। फ्रंट से अगर बात करें दोनों साइड अपन को इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाती है, जो कि एस्कोडा की कुछ शाख में भी देखने को मिल जाती है। अभी एस्कोडा के आप देख सकते हैं ऐड भी खूब चल रहे हैं कार के। और ये इसके अंदर का प्रीमियम इंटीरियर दे रखा है पुराने वाले एस्कोडा से, यार इंटीरियर की जो क्वालिटी है डाउन करी है वैसे थोड़ी बहुत। जैसे बिल्ड की अगर बात करें, क्वालिटी तो 5-star रेटेड है ये कार, लेकिन जो बिल्ड है ना वो थोड़ी बहुत इसकी मॉडर्न टेक्सचर जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है कार के अंदर। स्पीडोमीटर देख सकते हैं डिजिटल है, लेकिन एनालॉग टाइप का जो है इसके अंदर मीटर देखने को मिल जाता है डिजिटल में। और स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है, कटिंग देखने को मिल जाती है स्टेयरिंग व्हील के अंदर। वॉइस कमांड देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन के जो है कार के अंदर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। साइड में अपन को जो है इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प के सेटअप दे रखे हैं, हेडलाइट लेवलर का दे रखा है, और इससे ही आप अपने जो हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एस्कोडा में शुरू से ही इसी टाइप का आ रहा है। अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल में अच्छे खासे AC वेंट्स का जो है बिल्कुल बल्कि टाइप के दे रखे हैं, जो कि मतलब क्वालिटी अच्छी दे रखी है। ऑटोमेटिक AC दे रखा है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दे रखा है कार के अंदर। साइड में अगर बात करें तो सारे वन टच डाउन वाले हैं इसके अंदर पावर विंडो, और इसके साइड मिरर्स के जो है कंट्रोल दे रखे हैं कार के अंदर। कंसोल पैनल की अगर बात करें एक बार और, तो ये इसका जो है इसमें चार्जिंग सॉकेट वगैरह हर जगह दे रखे हैं। इसमें इस आर्मरेस्ट के पास भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको साइड में वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह का जो है गियर नॉब के साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है, और आगे थोड़ी बहुत स्पेसिंग देखने को मिल जाती है कार के अंदर। ये सीट्स का जो है कलर अपन को ऐसा देखने को मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी। सीट्स आपको अच्छी खासी ग्रैब करके रखेगी, प्लस कंफर्टेबल जो है इस कार के अंदर सीट्स देखने को मिल जाती है। फ्रंट से भी और रियर से भी आपको तीन जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इस कार के अंदर, तो ये सही है। बस थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा अगर आपकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, लेकिन बाकी और ओवरऑल सही देखने को मिलेगी। ऊपर बात करें इस कार के अंदर पैनारोमिक नहीं, छोटा से थोड़ा सा बड़ा साइज का, मतलब नॉर्मल साइज का आपको इस कार के अंदर सनरूफ देखने को मिल जाता है। और ये इसका एक बार इंटीरियर में ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से डिस्प्ले वगैरह का और कुछ डिज़ाइन वगैरह। फ्रेमलेस टाइप का जो आपको इसका ORVM देखने को मिल जाता है बेच वाला। हैंड रेस्ट की अगर बात करें तो ये थोड़ा गोल गोल सा जो इसका डिज़ाइन कर रखा है। और सीट्स की अगर बात करें तो अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी।
रियर में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है, इसका स्पेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस कार के अंदर। अब इसके बात करते हैं बूट स्पेस की। इस कार के अंदर बूट स्पेस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 521 लीटर का इस कार के अंदर बूट स्पेस दे रखा है, जो कि अच्छी खासी बात है। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेस की। इसके अंदर अपन को दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक तो 999 cc का जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp पावर और 178 Nm का टॉर्क। दूसरा इंजन दे रखा है, दोनों पेट्रोल इंजन है, 1498 cc मतलब 1500 cc का, उसके अंदर 147.51 bhp की पावर और टॉर्क अपन को इसके अंदर 250 Nm का देखने को मिल जाता है कार के अंदर। माइलेज की अगर बात करें तो 20 से मतलब 1500 वाले का 18 और वैसे 20 का जो इस कार के अंदर माइलेज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट्स में इसके अंदर 5-स्टार रेटेड है विथ 6 एयरबैग। इंटीरियर जो है इसका कंफर्टेबल और स्पेशियस देखने को मिल जाता है। गुड ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। राइड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। जो हैंडलिंग, जो कार एंथुजियास्ट है उनको हैंडलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस बहुत फैंटास्टिक है इस कार के हिसाब से। और अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की, जो कि इतने कुछ खास नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं जो कि मिलते ही हैं थोड़े बहुत। तो इसमें थाई सपोर्ट आपको रियर वाली सीट्स पे, फ्रंट में तो अच्छा है, रियर वाली सीट पे थोड़ा सा आपको कमज़ोर देखने को मिल जाता है थाई सपोर्ट। और जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी है, जो पुरानी वाली जो एस्कोड आती थी ना, उसके जो आप सॉफ्ट टच वगैरह मटेरियल या जो मटेरियल की क्वालिटी उससे थोड़ा चीप टाइप के से कर दिए, लेकिन ये मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न लुक के हिसाब से कर दिए। ये भी इतना कोई खास ओवरऑल, अगर आपको जैसे पेट्रोल की कमी है, 1 लीटर वाला इंजन है, वो आपको थोड़ा अनडिफाइंड टाइप का सा देखने को लगेगा। आपको ए पॉइंट ए से भी जाना है या ड्राइवर वगैरह चलाना है तो आप होंडा सिटी के ऊपर जा सकते हैं। आपको अच्छा खासा जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है होंडा सिटी का पेट्रोल में अच्छा खासा उसका हाइब्रिड इंजन माइलेज देगा, प्लस आपको कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको खुद को चलाने का शौक है गाड़ी का तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लीटर वाला आपको अच्छा खासा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करके दे देगा और माइलेज भी आपको 17-18 से मतलब मिल जाएगी आपको हाईवे के ऊपर। और 5-स्टार है ही कार और तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, सर्विस 15,000 होती है। तो यही था आज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।